नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने मॉनसून की बारिश एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। विभाग के मुताबिक एमपी के ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना दिख रही है, जिसके चलते आने वाले दो दिनों के अंदर देश के कई हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। तो वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना कम ही दिख रही है। हालांकि दिल्ली का मौसम कल से बदल सकता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने यहां पर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। तो वहीं राजस्थान, तमिलनाडु, केरल समेत महाराष्ट्र और गुजरात में भी हल्की बारिश हो सकती है। यही नहीं, अगले तीन दिनों में असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिण भारत में भी बारिश हो रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी बारिश हो रही है। विभाग ने यहां भी दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में तेज बारिश के आसार हैं। स्काईमेट ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग ने यहां भी दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।